जय हिंद साथियों, आज हम लोग आपके साथ एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चाल, समय और दूरी। यह गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। और चाल, समय, दूरी अगर हम बात करें तो जो चाल, समय, दूरी के सवाल होते हैं ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि चाल, समय, दूरी के आधार पर ही हम आपको समय सारणी, बस, ट्रेन और नाव और नदी ऐसे चार और अध्याय एक साथ मिलाकर पढ़ा देंगे। क्योंकि अगर आपको चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का अध्याय चैप्टर समझ में आ गया तो जो गणित है वो आपको आसान लगने लगेगी, क्योंकि हम आपको मैथ एकदम हलवा की तरह बना के पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों को गणित से डर लगता होगा, तो ये आज का नया अध्याय चाल, समय, दूरी का पहला लेक्चर होगा और इस गणित के सीरीज के अंत तक आप कॉपी कलम लेकर बने रहेगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार और गणित में हम ये प्रयास करेंगे आपके साथ मिलकर हर उस तथ्य को, हर उस बिंदु को बताने का, हर उस बिंदु को पढ़ाने का जहां पर जिसको गणित नहीं आती वो भी उसके साथ सीख सके और पढ़ सके। सबसे पहले हम आज आपको कुछ जो प्रश्न है उनको लगाने का तरीका बताएंगे, कुछ फार्मूला से परिचय कराएंगे, ताकि अगले क्लास में, इसके बाद जब अगली क्लास हो फिर उसके बाद जो क्लास है उसमें धीरे धीरे गणित आपको आसान लगने लगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रेस आपके साथ मिलकर, तो कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक वीडियो का इंतजार करिएगा। ये सभी क्लास निःशुल्क आप सभी को देश हित में, राष्ट्रहित में उपलब्ध रहेंगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बाद हम प्रश्न बैंक भी हल करेंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में अगर हम बात करें, जैसे यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो उसे किमी प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है, ये एक बार बार इसका इस्तेमाल हम करेंगे और बार बार हम आपको ये बताएंगे। ऐसा क्या होता है जब हम मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा की तरफ बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा बहुत बार आएगा मीटर प्रति सेकंड छोटे यूनिट है और हम बड़ी यूनिट पर जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम पहले 18/5 से गुणा करते हैं। कहेंगे 18/5 क्या होता है, आपके मन में सवाल आएगा, तो इस सवाल को हम कैसे दूर करें, आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि एक घंटा बराबर, जैसे एक पूछ लिया जाए एक घंटा में कितना सेकंड होता है, तो आपको पता होगा 3600 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। और अगर हम एक किमी की बात करें, अगर हम एक किमी या एक किलोमीटर की बात करें, इसमें कुल 1000 मीटर होता है। अब हम वापस आते हैं आपके साथ इस बिंदु पर, इस टॉपिक पर, सभी लोग ध्यान देखिएगा। अब हमें कह रहा है कि 18/5 से गुणा करना, जब हम मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा की तरफ जाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, पहले घंटा लिखते हैं, माने 3600 बटे, ये 3600 हो जाएगा, बटे 1000। ध्यान दीजिएगा, अब हम मीटर प्रति सेकंड, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो उसे किमी प्रति घंटा में बदलना हो तो हम ये जानते हैं किससे बदलने जा रहे हैं, हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़ा ऊपर होगा, छोटा नीचे, इसे काट कर छोटा करेंगे तो अब इसी को दो लड्डू से दो लड्डू कट जाता है, फिर 36/10 बचेगा, फिर दो से काटेंगे, ये 18 होता है और ये 5। इसलिए कहा जाता है कि हम 18/5 से गुणा कर देंगे तो कोई भी चाल मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा में हो जाएगी। जैसे एक सवाल हम लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किसमें बदलना है, किमी प्रति हावर्स में बदलना है, किमी प्रति हावर्स में बदलना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इस 10 किमी को यहाँ 10 लिखेंगे, गुणे 18/5 से गुणा कर देंगे तो 5 × 10 तो हो जाएगा 36 किमी प्रति हावर्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह से 10 मीटर प्रति सेकंड चाल को किमी प्रति घंटा में बदल दिया। वैसे जब सवाल हम लोग लगाएंगे, प्रश्न को जब हल करेंगे तो और इसकी विधि हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना आप लोग को समझ में आ गया हो तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अब हम इसके अगले टॉपिक पे चलते, जैसे आगे आपको मिलेगा, यदि चाल किमी प्रति घंटा में हो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, मतलब आप यहाँ पे ध्यान से आपको ये देखना है कि अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे यूनिट में जा रहे हैं, बड़े से छोटे यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, माने किमी प्रति घंटा में चाल दिया गया है उसे बदलना है हमें मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें 5/18 से गुणा करना होता है, कितने से, 5/18 से। आइए पहले ये लॉजिक समझते हैं, ये 5/18 कहाँ से आया, तो याद रहे पहले हमें किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो एक किमी में हम जानते हैं कितना होता है, 1000 मीटर होता है, बटे 3600, इसे जब हम डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो होता है 5/18।
एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। जैसे अगर कह दिया जाए कि 54 किमी प्रति घंटा है, इसे कह दिया जाए कि 54 किमी प्रति घंटा को किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे? तो यही प्रक्रिया है। इसमें 54 में हम क्या करेंगे, जो आपके सामने 54 है, इसी 54 में हम 5/18 से गुणा कर देंगे। जब 5/18 से गुणा करेंगे, 18 का 18, 18 का 54, 3 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने यहाँ पे देखा किसी भी यूनिट को कैसे बदला जाता है। जब छोटे से बड़े में जाते हैं, बड़ा ऊपर, ऊपर का मतलब अंश, बड़ा का मतलब ऊपर, अंश माने 18/5। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ ले। कभी कभी ये होता है जैसे यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, तो मीटर के साथ साथ यहाँ पर देगा कि मीटर प्रति मिनट क्या होगा, तो उसको भी कैसे बदलते हैं, वो भी मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं इसी अध्याय में बता दूं या इसके बाद के अध्याय में बता दूं, वो भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट आप सब रख लीजिएगा अपने पास, जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि मैं इसी टॉपिक में थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको बढ़ा के बता दूँ, एक नई चीज़ आपको देखने को, एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगी सभी साथी को, ठीक है। मैं एक नई चीज़ यहीं पर सिखा दे रहा हूँ ताकि आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए यहाँ पर हम एक अध्याय आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे हम एक नई चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि एक हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास जो चाल है 1 किमी प्रति हावर को अगर हम ध्यान से देखिए कैसे बदलते हैं, तो बड़े से अगर छोटे में जाना है तो यहाँ होता है 5/18, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मतलब इससे गुणा करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड। फिर हमने ये देखा कि यदि हमें मीटर प्रति सेकेंड से अगर हमें 1 मीटर, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, 1 मीटर प्रति सेकेंड से हमें किसमें जाना है, किमी प्रति हावर्स की तरफ जाना है, ये पलट जाता है, ये हो जाता है 18/5, ये हो जाएगा आपका किमी प्रति हावर। लेकिन अब हम एक नई चीज आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं वो आप ध्यान से समझेंगे, आपको गणित आसान लगने लगेगा। हम क्या कर रहे हैं कि जब हम छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जा रहे हैं या बड़े से छोटे की तरफ, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि किमी प्रति घंटा को किसमें बदलना है, यहां पे बदलना था मीटर प्रति सेकेंड में। तो हम क्या करते थे, जब किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते थे, ध्यान दीजिएगा किमी प्रति घंटा को हमें बदलना था मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करते थे, यहां पे ध्यान से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा मैं क्या करता था या आप क्या करते थे। जब हम ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूं कि किमी प्रति घंटा से जब मीटर प्रति सेकंड में जाते थे, माने जब बड़े से छोटे में जाते थे, तो छोटा क्या होता था ऊपर, तब क्या होता था, बड़े से छोटे में जाते थे तो छोटा हमारा क्या होता था ऊपर, माने हम यहां पे लिखते थे कि 1000 मीटर होता था और बटे यहां पे 3600 सेकेंड, माने इसी को काट कर हम 5/18 कहा करते थे। लेकिन अब अगर हमें इसी यूनिट को एक नए सिरे में बदलना हो, जैसे अब इसको हम बदल रहे हैं एक नए सिरे में, यदि हम किमी प्रति घंटा से कन्वर्ट करके मीटर प्रति मिनट में जाएंगे, क्या करेंगे, मीटर प्रति मिनट में जाएंगे, तब हम इस यूनिट को कैसे बदलेंगे, सभी साथी कमेंट करके बताइए। यदि किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति मिनट में जाना है तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा काम क्या करना है। हम ये जानते हैं कि 1 किमी में 1000 मीटर होता है बटे, अब यहाँ पे 1 घंटा में 60 सेकंड होता है तो बटे 60 कर देंगे। अब देखिए यह लड्डू से लड्डू कट जाएगा, अब बचेगा 100/6, फिर 100/6 को फिर से काटेंगे तो यह हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50, तो यहाँ पे हो जाएगा, तब हम 50/3 से गुणा करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करिएगा सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कट रहा हो, ध्यान से आप लोग बताइएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, एक नई चीज आपने देखा, यदि किमी प्रति घंटा से हमें किस पे जाना होगा, मीटर प्रति मिनट में जाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सवाल को हल करेंगे। एक नई चीज आपने सीखा, ये प्रायः आपको किताबों में नहीं मिलती, 50/3 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा कि यदि हम, फिर से बता रहा हूं मैं, मीटर प्रति सेकेंड से किसमें बदल रहा हूं मैं,
ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। अब मैं इसी मीटर को फिर एक नए यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे किमी प्रति घंटा था तो मीटर पे सेकंड हो गया, या एक एक कैसे करते हैं, जैसे अगर हम मीटर प्रति मिनट, इसे मैं बदलना है मुझे किमी प्रति घंटा में, किमी प्रति घंटा में बदलना है। अब हमें कुछ नहीं करना, सेम प्रक्रिया है। अब यहाँ पर इसी को पलट देंगे। अब हम यहां क्या करेंगे, 3/50 से गुणा करेंगे। जितने भी साथी यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं वे इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, जब इस पे सवाल आएगा हम आपको सवाल हल करके और अच्छे से बताने का, समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, उसी फॉर्मूले पर इस पूरे अध्याय को समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे। वह इसी अध्याय में मैं उस फार्मूले का जिक्र कर दे रहा हूं, तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से इसको कोशिश करें लिख ले। जैसे अगर दूरी निकालना हो, अगर आपको दूरी निकालना हो तो क्या करते हैं, चाल गुणे समय। आप हम लोग क्या करते हैं, चाल का गुणा समय में करते हैं। बस यह आपको अगर पता है, इसी के आधार पर आप सभी निकाल सकते हैं। अब अगर आपको समय नहीं पता है तो ये चाल गुड़े में धराएगा, बटे में हो जाएगा। तब अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, चाल अगर आपको ज्ञात करना हो तब क्या करते हैं, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। एक दूसरी बात है कि अब समय हमें निकालना है, समय बराबर क्या होगा, तो सेम प्रक्रिया है, समय बराबर क्या होगा, तो जल्दी से बताइए, समय बराबर यही दूरी हो जाएगा, और दूरी बटे क्या हो जाएगा, चल। ठीक है, इसी तीन फॉर्मूले का हम लोग को इस्तेमाल करना है। अब पूरे अध्याय में अगर हम बात करें, अगर इस फॉर्मूले का नाम एक दे दे, इस फॉर्मूले का नाम दो दे दे, इस फॉर्मूले का नाम तीन दे दे, तो इतना फॉर्मूला जितना इस समय आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इतने ही फॉर्मूले का हमें लगभग लगभग प्रयोग करना है अपने आगे के सीरीज में, ताकि हम सभी कुछ बड़ा और कुछ बेहतर कर सके, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार गणित को आसान बना सके। यहां तक आप जो लोगों ने पढ़ लिया है, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। अब हम और आगे चल रहे हैं, एक और नए टॉपिक की तरफ, एक नई चीज सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज को देख लेते हैं, कुछ फार्मूला को जान लेते हैं, फिर हम प्रश्न को भी हल करेंगे, और ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा में बार बार आते हैं, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे है आपके सामने, ये तो हम लोगों ने देख लिया था, अब हमारे सामने है औसत चाल। तो औसत चाल के लिए आप लोग यहाँ पे थोड़ी बातें जान लीजिएगा। जैसे औसत चाल अगर एवरेज स्पीड निकालना हुआ, तो तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय अगर आप निकाल देंगे, हमें औसत चाल पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि किसी गतिमान वस्तु D1, D2, D3 दूरियां अलग अलग है, उनके समय भी अलग अलग है, T2, T3 ऐसे ऐसे करके है, तब क्या होगा, तब वस्तु की औसत चाल निकालेंगे। मतलब अलग अलग दूरी D1 प्लस D2 प्लस D3 ऐसे जितना भी होगा, फिर समय भी अलग अलग होगा, फिर कुल का योग करके नीचे वाले से भाग दे देंगे, माने दूरी में तय की गई समय से, तो आपका औसत चाल निकल जाएगा। इसके अलावा इसके सूत्र भी हैं, मैं आगे इसका जिक्र करूंगा, क्योंकि हमें हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को कंप्लीट आपके साथ पढ़ना है। आगे आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण शायद बिंदु भी दिख रहे होंगे, उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे वस्तु का जो औसत चाल था वो हम लोग देख लें, यदि चाल का अनुपात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि चाल का अनुपात ए अनुपात बी हो, तो समय का अनुपात बी अनुपात होगा। जैसे इसका सवाल आएगा कि ए और बी दो कारों का चालों का अनुपात 4:3 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो अगर 4:3 है तो 3:4 माने बदल जाएगा। ऐसे प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो इतना ट्रिकी मैं बताऊंगा कि कुछ सेकंड में आप उस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। जैसे लिखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ए और बी दो कार 3:4 के चाल से चल रहे हैं, तो वह एक निश्चित दूरी को कितने समय में पूरा करेंगे, तो वह निश्चित दूरी को कितने समय अनुपाती समय में पूरा करेंगे, तो वह अनुपात बदल के, जैसे अगर यहाँ पे आपका 3:4 था, तो पलट कर क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, अनुपात बदल जाएगा।
लेकिन ध्यान रहे यदि चाल का अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो तो समयों का अनुपात क्या होगा। यदि तीन कार्य हैं, एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात से चल रहे हैं तो उनके समय का अनुपात कैसे, यहाँ पर अगर प्रश्न आ जाए तीन कार्य हैं एक अनुपात दो अनुपात तीन में है तब क्या होगा, तब इसको बदलने के लिए जो समय का अनुपात होगा वो एक बटे एक अनुपात एक बटे दो अनुपात एक बटे तीन। इस तरह से सवाल को अभी तो एक तरह सूत्र की मैं परिचय करा रहा हूँ, फॉर्मूला से परिचय करा रहा हूँ, सवाल आएगा तो मैं और आसान करके आपको बताऊंगा, लेकिन डेली क्लास में बने रहेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी अन्यथा नहीं आएंगी। हम बढ़ते हैं और आगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला आपके सामने है यदि चाल का अनुपात ए अनुपात बी हो तो दूरी का भी अनुपात ए अनुपात बी होगा, माने अगर चाल जितना है तो दूरी भी उतना होगा, ठीक, माने ए अनुपात बी होगा। जब रेलगाड़ी की अगर हम बात करें किसी नॉन जीरो फिगर जैसे पुल नदी या दूसरी रेलगाड़ी आदि को पार करती है तो चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई उस वस्तु की लंबाई के बराबर होती। कैसे, मैं आपको समझाना चाहूंगा, खूब ध्यान से समझिएगा। जैसे जब रेलगाड़ी किसी नॉन जीरो फिगर जैसे पुल पर नदी पर दूसरी रेलगाड़ी आदि को पार करती है तो कुल चली गई दूरी क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा जैसे उसकी दूरी कैसे हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे एक आपकी ट्रेन है, खूब ध्यान समझिएगा, यह आपकी ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन आपकी 100 मीटर की है। अब यह रेल का यहां पे एक पुल बना है, यह पुल है आपका 50 मीटर का, यह पुल कितना है 50। अब ये रेलगाड़ी जैसे ये रेलगाड़ी चल रही है, अब ये रेलगाड़ी जैसे ये पुल है, मान लीजिए मैं डायग्राम से क्रिएट करके समझा रहा हूं, जैसे ये पुल है, इस पुल पे रेलगाड़ी कुछ ऐसे पहुंच गई, क्या अभी तक रेलगाड़ी पुल को पार की है, नहीं पार की है। अब रेलगाड़ी को पुल कब पार करेगी, देखिएगा पुल नहीं मतलब रेलगाड़ी पुल को कब पार करेगी, पुल हो गया मान लीजिए आपका। अब ये रेलगाड़ी जब यहां आ जाएगी, जब ये रेलगाड़ी कुछ इस तरह से यहां पहुंच जाएगी, माने यहां से रेलगाड़ी जब एंट्री करेगी तब से लेकर यहां तक तब जाके माना जाएगा, माने पहले रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी फिर उसके बाद पुल के बराबर। जैसे अब क्या होगा, अब इतना दूरी कैसे तय करेगी, पहले रेलगाड़ी इस पर चली माने पूरी दूरी अपनी तय की कितना 100 मीटर, उसके बाद 50 मीटर का पुल पार की तो कुल कितना हो जाएगा 150 मीटर, माने कुल दूरी अगर देखा जाए पुल की पार करने में 150 मीटर होगा। मेरी बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रही मैं दोबारा समझा रहा हूं। जैसे अगर कोई रेलगाड़ी है इस तरह से आ रही है, जैसे रेलगाड़ी यहां पहुंची, क्या इस पेन को पार किया, नहीं, यहां पहुंचा तब, जब ये अपनी दूरी को पूरा पार कर लेगी तब वह उस वस्तु को पार करेगी। लेकिन अगर रेलगाड़ी पुल नदी न होता, जैसे पुल नदी नहीं है, कोई आदमी खड़ा है, कोई खंभा खड़ा है, कोई पेड़ है जिसकी लंबाई कुछ नहीं, माने जीरो है जिसकी लंबाई, वो लंबाई क्या करेगा, वह अपने बराबर दूरी तय करेगा, याद रखिएगा, ठीक है, वह अपनी लंबा केवल अपने लंबा, जैसे मान लीजिए आदमी खड़ा है कोई यहां पे, तो रेलगाड़ी क्या करेगी, यहां से चलेगी, जब ये रेलगाड़ी यहां पार कर जाएगी तो आदमी को पार कर लेगी। इसका मतलब जब रेलगाड़ी अपनी पूरी दूरी पार कर लेगी तब वह आदमी को पार करेगी, लेकिन जब कोई पुल होगा तो उसे पुल की भी दूरी तय करनी पड़ेगी तब जाके उसको पार करेगी ना, तो यहीं पर बता रहा है। जैसे जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा कि जब रेलगाड़ी किसी जीरो फिगर जैसे व्यक्ति पेड़ साइकिल सवार आदि को पार करती है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी के सामने नगण्य कुछ न हो तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जब मैं इसे थियरी के माध्यम से कराने का प्रयास करूंगा तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। समझ में आया सबको, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं यहां तक अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट तो कमेंट करके बताइए ताकि हम इसी के साथ इसी के और आगे चले, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, सबको समझ में आ गई ना पूरी तरह से। अब हम और आगे चलते हैं, अभी हम सवाल जब फॉलो करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। यदि किसी वस्तु यदि दो वस्तुएं अलग अलग चाल एक किलोमीटर प्रति घंटा बी किलोमीटर प्रति घंटा की एक ही दिशा में समानांतर चल रही है तो सापेक्ष चाल जो होगी ए माइनस बी का हो जाएगा। कैसे, आइए ध्यान से देखते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे दो वस्तुएं एक एक की जिसे है ए की चाल माना हम 60 किमी प्रति घंटा है, दूसरे बी की है 50 किमी प्रति घंटा है, एक की 60 किमी है दूसरे की 50 किमी, दोनों की एक घंटे के बीच में कितनी दूरी होगी। जैसे
अब जैसे ए है, ये एक घंटे में 60 किमी चला, अब बी कितना चलेगा, एक घंटे में 50 किमी। तो इनका जो सापेक्ष चाल हुआ एक घंटे में वो कितना होगा, इनके बीच का जो सापेक्ष चाल होगा एक घंटे का, ये एक घंटे की मैं बात कर रहा हूं केवल। तो आप कहेंगे सर 60 माइनस 10 बराबर 10 किमी, माने ए और बी का अब दूरी निकल गई ना, माने एक घंटे में दोनों के बीच कितनी दूरी होगी 10 किलोमीटर की, दो घंटे में कितनी होगी 20 किलोमीटर, तीन घंटे में, तो माने दोनों, तो देखिए ए भी भाग रहा है बी भी भाग रहा है, दोनों एक साथ चल रहे, ए भी उसी चल रहा है बी भी, लेकिन दोनों की जो रफ्तार है जो चाल है उसमें क्या है अंतर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं सापेक्ष चाल निकालने के लिए ए में से बी को घटा देते हैं, अर्थात यूं कह सकते हैं बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, ठीक है, सापेक्ष चाल निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। यदि विपरीत दिशा से आ रही हो तब क्या होता है, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाते हैं। अब कहीं सर कैसे जुड़ जाएगा, अभी तो आप बता रहे घटा रहा है, तो जब एक ही दिशा में चलेगी, ध्यान दीजिएगा मैंने यहां पर तीर बनाया है, जब एक दिशा में चलते हैं सापेक्ष चाल घट जाता है, लेकिन जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल आपस में जुड़ जाता है। कैसे, मैं वो भी आपको समझा रहा हूं, खूब ध्यान से समझिएगा सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर बिंदु ए है, बिंदु यक्ष मानते हैं, यहां पर बिंदु यक्ष है, अब इसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए चला, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला ए, बी चल रहा है 60 किमी प्रति घंटा, तो एक घंटे के बीच में कितनी दूरी होगी। कहेंगे सर एक घंटे के बीच में अगर दोनों दूरियों की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 50 110 किमी, माने दोनों विपरीत दिशा में जब जा रहे हैं चाल जुड़ गया, क्योंकि अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, ये 60 गया है और ये 50 गया है, तो दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी आपस में जुड़ जाएंगी और यहां पे घट जाएंगी। माने जब विपरीत दिशा में जा रहा है, देखेंगे एक ही घंटे के बीच दोनों के बीच में 110 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 110, और जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों के बीच मात्र 10 किलोमीटर का ही फर्क आ रहा है। ये समझ लीजिए छोटी छोटी बातें हैं, जब हम इनको सवाल में लगाएंगे, जब हम प्रश्न को हल करेंगे, तो ये छोटी छोटी बातें आपको आसान कर देगी। गणित में जब सवाल में बना पढ़ाऊंगा तो मैं चित्र बना के डायग्राम बना के मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार ये करके दिखाना है आप सभी के साथ मिलकर। समझ में आ गया सबको, अब हम और आगे चलते हैं। नहीं समझ में वीडियो को दो बार देखिएगा, तीन बार देखिएगा, चार बार देखिएगा, तब तक देखिएगा जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में ना जाए। डेली क्लास में बने रहिएगा, पूरी गणित पढ़िएगा, शुरू से लेके अंत तक पढ़िएगा, तब जाकर आपको गणित आसान लगेगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब हम और आगे चलते हैं, अब यहीं से आपका शुरू होता है सवालों का दौर, अब यहीं से आपका प्रश्नों का दौर शुरू होता है, ठीक है। तो यहां तक जितने भी लोगों ने वीडियो को देख लिया है वो स्क्रीनशॉट रख लें, और टेलीग्राम पर आप सभी साथी दुर्गेश्वर सर्च करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, आप टेलीग्राम पर जब दुर्गेश्वर सर्च करेंगे आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जब उसे ज्वाइन कर लेंगे सभी क्लास की लिंक वीडियो आपको निःशुल्क मिल जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम, फेसबुक पेज, यूट्यूब, जहां भी देख रहे हैं, निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा आप सभी के लिए है। देश में राष्ट्र, थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं, अब हम एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं, सवाल को हल करते हैं। एक डिस्प्ले पर आपको सवाल दिख रहा होगा, आप चाहे इस वीडियो को डेस्कटॉप पीसी पे देख रहे होंगे, चाहे अपने फोन पे देख रहे होंगे, मैं प्रश्न को पढ़ने कर आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कह रहा है एक बाइक चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चला रहा है, तो एक सही एक बटे दो घंटे में वह कितनी दूरी जाए। आप बिना पेन उठाए इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, बिना पेन उठाए। कैसे, अगर एक घंटे में कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर जा रहा है तो डेढ़ घंटे में कितनी दूर जाएगा, कहेंगे एक घंटे में 60 किलोमीटर, आधे घंटे में 30 किलोमीटर जाएगा तो 90 किलोमीटर जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बिना पेन उठाए तुरंत कह देंगे सर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 90 किलोमीटर होगा। बिना पेन उठाए आप इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे कि सर इसका उत्तर 90 किलोमीटर है, ठीक, सभी लोग बता लेंगे। लेकिन उसको हल कैसे करना है, आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि ऐसे सवाल जब आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे, कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे क्या करेंगे, समय, ठीक। अब दूरी पता नहीं है, चाल क्या है, एक ही यूनिट है, ध्यान देंगे यहां पे घंटा में है। जब अगर यूनिट समान है
किलोमीटर प्रति घंटा में है तो घंटे में देखेंगे, यूनिट बदला नहीं है तो यहाँ पे 60 किलोमीटर हो गया गुड़े। अब ये 2 से 1/2 है तो 2 × 1 = 2, 3/2 घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 घंटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गुड़े 3/2 घंटा। बस इसी को हल करना है। अब आप इसे तुरंत हल कर लेंगे, अब क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, 30 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चाल हो जाएगी 90। ये किमी में था, ध्यान दीजिएगा ये किमी में है, ये हावर्स में है, तो यही हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है 90 बताया है तो इसके जवाब पूरी तरह से सही है। आप लोगों को समझ में आ गया, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे थे सभी लोग ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्लास को पूरा पढ़ेंगे तब तो सबको समझ में आ गया। जितना भी समय देता, अगर यूनिट अलग होती जैसे मान लीजिए मिनट में होता तब इसको घंटे में बदलना पड़ता, सेकंड में होता तो घंटे में बदलना पड़ता, माने दोनों यूनिट हमेशा बराबर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, मैं आगे वैसे प्रश्न में बता दूंगा। आगे सवाल है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ती हुई जहाज 2 से 1/2 घंटे तक यात्रा करती है, यदि वो 20% की तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। पहले तो जानते हैं कि वो पहले कितना समय लेती है, अगर पहले का समय ज्ञात होगा तभी तो हम दूसरे के समय की तरफ चलेंगे। तो आइए आप ध्यान से देखते हैं, सभी लोग इसको पढ़िएगा समझिएगा फिर जानने का प्रयास करिएगा। पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए जहाज इतने घंटे तक यात्रा करती है, तो पहली दूरी, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले दूरी निकाल लेंगे। जब आप दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुड़े समय, चाल गुड़े समय हो गया। अब चाल कितना था तो आपने कहा नहीं पता, तो यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब समय कितना ले रहा है, समय है आपका 2 से 1/2 माने 2 × 4 5/2 घंटा, तो गुड़े कितना हो जाएगा 5/2 घंटा, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 125 किलोमीटर। दूरी क्या है 125 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया कि जो दूरी थी, पहली दूरी इसकी जो यात्रा जहाज ने किया है वो कितना किया है, वो 125 किलोमीटर किया, दूरी 125 किलोमीटर थी। अब यहां पे चाल को बढ़ा रहा है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे वो यदि 20% तेज चले तो नई चाल क्या होगी, नई चाल कैसे निकालेंगे, एकदम आसान तरीका, नई चाल निकालने के लिए हमें और आपको एक समझना होगा कि पहले कितना चलता था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 20% तेज चल रहा है, परसेंटेज सीरीज मैंने बताया तुरंत निकाल लेंगे। पहले तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा अपने आप में 100 था, 20% तेज होगा माने 120 हो गया, 120/100, ये लड्डू से लड्डू कट गया, लड्डू से लड्डू कट गया। अब नई चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी वही है तो समय बराबर, अब नया समय निकालेंगे तो समय, नया समय निकालना है तो क्या होगा, कुल दूरी माने समय बराबर क्या होगा, कुल दूरी, दूरी कितनी थी 125 थी बटे समय कितना था, चाल क्या था, दूरी बटे चाल हो जाएगा ना, देखिए हम यहाँ पे जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसी को भाग दे दीजिएगा तो आपको, जब इसको भाग देंगे तो ध्यान रहे यहाँ पे जब भाग देंगे 60 से 125 में तो कितनी बार गया, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 घंटा, शेष कितना बचा 5 मिनट, तो 2 घंटा 5 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा 5 मिनट, मतलब इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी होगा। इस हिसाब से क्या होगा, ऐसे प्रश्न का जो जवाब होगा वो बी, 2 घंटा 5 मिनट। आप लोग इसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, और न समझ में आए दोबारा समझिएगा, मैं एक बार और बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे दूरी नहीं पता थी, हम लोगों ने दूरी निकाला, जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है, 2.5 घंटे में कितना जाएगी, 1 घंटे में 50, 2 घंटे में 100 और आधे घंटे में 125, माने 2.5 घंटे में 125 किलोमीटर दूरी जाएगी। नया चाल क्या है 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर गई, 5 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगा, 5 मिनट का समय लगा, तो 2 घंटा 5 मिनट इस प्रश्न का उत्तर हो गया।
समझ में आ गया सबको? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे थे, जितने लोग इसको पढ़ रहे थे, शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं लगेगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए पेज को, ये निःशुल्क क्लास है। हम आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है, यदि 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितना होगा? मतलब मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा में जाना है तो क्या करेंगे? ऐसे सवाल को हल करने के लिए मैंने आपको समझाया है, बताया है, छोटे यूनिट से अगर आप बड़े की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? 5/18 से गुणा होगा, 18/5 होगा, यही मुझे आपको बताना है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी इसका जवाब जरूर देंगे। एकदम आसान है कि 3 से 1/3 मीटर प्रति सेकंड गति से किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्त किया जाए तो कितनी होगी? पहले तो इसको बदल लेंगे, 3 * 9 = 10/3 मीटर, हाँ आपका जवाब सही आ रहा है, प्रति सेकंड है। इसको बदलना किसमें है? इसको बदलना है किमी प्रति घंटा में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा में जाने के लिए क्या करेंगे? एकदम आसान तरीका है। तो हम ये जानते हैं, इसे हम 10/3 को हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करते। तो 5 * 1 = 5, 5 * 2 = 10, 3 * 1 = 3, 3 * 6 = 18। तो क्या हुआ, 2 × 6 = 12 किमी प्रति आवर। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी। तो आप लोग को समझ में आ गया? जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट जरूर करिएगा। मतलब हमें कुछ नहीं करना था, इसमें केवल 18/5 से गुणा करना था। माने हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ा अंक ऊपर होगा। यह ट्रिक याद रखिएगा, जब आप कंफ्यूज होए, जब आपको लगे यार ये सवाल कैसे लगेगा, तो एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे, बड़ा ऊपर माने 18 ऊपर, और बड़े से छोटे में आते तो छोटा ऊपर माने 5 ऊपर, 18 नीचे। इतनी बात अपने दिमाग में रखिएगा, कभी ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। हम और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है तो उस व्यक्ति की गति किमी प्रति घंटा में क्या हो? बहुत आसान तरीका है। तो पहले इस यूनिट को एक में बदलते हैं, पहले इस यूनिट को बराबर करते हैं। व्यक्ति की, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क है, माने सड़क तो हो गई, समझ में आ गया कि सड़क की लंबाई 600 मीटर है, 5 मिनट है, माने अगर हम दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस आपको पता हो गया कि 600 मीटर है। अगर हम समय की बात करें, टी की बात करें, तो 5 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 6 = 30, 300 सेकेंड। अब यहां पे पूछ रहा है उस व्यक्ति को गति बताइए, गति माने चाल, तो चाल बराबर हमें जानते हैं, चाल माने डी बराबर, सॉरी चाल माने चाल, एक मिनट के इसको हल्का इरेज करते हैं, चाल माने स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, बस इसी को हल करना था। अब हम ये जानते हैं और आप भी ये जानते हैं कि इसको हल करने के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, 600 मीटर की बटे, अब समय कितना ले रहा है, 300 सेकंड ले रहा है। अब यह जो आएगा, ध्यान दीजिएगा, यह स्पीड ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो जो स्पीड आएगी मीटर प्रति सेकंड में आएगी, लेकिन इसको कन्वर्ट कर रहा है किमी प्रति घंटा में। तो एक ट्रिक आपको मैंने बताया है कि हमें यदि मीटर प्रति सेकंड से किस में जाना है, किमी प्रति हावर्स में, छोटे से बड़े में जाना है तो माने बड़ा ऊपर होगा, छोटा नीचे, माने इसमें हम इसी समय 18/5 से गुणा कर लेते हैं, बस मल्टीपल कर लेते हैं। अब ये दो लड्डू से कट गया, 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, क्लियर। अब 18 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 36/5,
और 5 से काट डिवाइड करिएगा तो 5 × 7 = 35.2 किलोमीटर प्रति हावर, तो मतलब इसका होगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर इसे मीटर पर सेकंड में लाना होता तो यहाँ पे क्या करते हम, सीधा 600/300 कर देते, लड्डू लड्डू से कट गया तो क्या आता, दो। तो दो क्या होता, ये 2 मीटर प्रति सेकंड, अगर ये मीटर पर सेकंड में आता तो दो, और इसी दो को बदलना हो कि प्रति हावर्स में, तो इसी को हम बदल देते हैं, 2 × 18/5 मीटर पर सेकंड से कैसे बदल जाता, किमी प्रति घंटा बदल जाता। ये ट्रिक है, माने जब धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जब सवाल लगाते लगाते आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, तो आप इस तरह से सवालों को आसानी से लगा लेंगे, समझ लेंगे। हम और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए एक क्लास के बाद अगली क्लास पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अब यह सवाल है, कह रहा है कि यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो पहले हमें क्या करना है कि हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हमें यहां पे ध्यान दीजिएगा कि दूरी कितनी है, 100 मीटर, 100 हो गया, बटे समय कितना है 9। अब यह निकालेंगे तो यह आपका चाल आएगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमें किमी प्रति घंटा में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो चाल है, ये दूरी है 100 मीटर है और ये समय 9 सेकंड ले रहा है, इसी समय गुणा कर दीजिए, इसी समय क्या करिए, यहां पे 9, इसी समय क्या करिए, इसमें गुणा करिएगा। कितने का गुणा होगा यह आपको समझना है कि हम गुणा करेंगे तो भाई कितने का गुणा करेंगे हम, अब जरा बताइए गुणा कितने का होगा। अब हमें ध्यान दीजिएगा कि हम फिर से मीटर प्रति सेकंड से किधर की तरफ जा रहे हैं, किमी प्रति हावर, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, माने बड़ा ऊपर होगा छोटा नीचे होगा। इसी प्रश्न को हल करिएगा, आपको दिए गए सवाल का उत्तर आपको पता चल जाएगा। अब हमने देखा 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 20 ऊपर गुणा ऊपर करेंगे, 20 × 2 अगर आप करते हैं तो क्या आएगा, 40। तो 40 क्या है, 40 किमी प्रति हावर, मतलब इस प्रश्न का आवर्स, इस प्रश्न का उत्तर आपका ए होगा। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें यहां तक चीजें समझ में आ गई, अगर यहां तक समझ में आ गई होंगी तो इसके बाद इसके अगली जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ लेंगे तो शायद कम समझ में आएगी। क्लास की टाइमिंग आपको पता होगी, आप उसी समय क्लास में जुड़े जाइएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क पढ़ा देता हूँ। इलर्निंग विद दुर्गेश के लोग आपको जहाँ चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जिस माध्यम से आपको उपलब्ध कराएं आप ले सकते हैं। यहाँ पे घर बैठे आप क्लास भी पढ़ सकते हैं, घर बैठे आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और खुद भी नोट्स हमारे साथ मिलकर बना सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हम आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, डेली क्लास में इसी समय जुड़िएगा जिस समय आपकी क्लास चल रही है। लाइव नहीं देख पा रहे तो बाद में देखिएगा, दो बार देखिएगा, तीन बार देखिएगा, गणित का डर भी हम आपको खत्म करा देंगे। बस आप अपना बेस्ट देते रहिएगा, आप अपना बेहतर देते रहिएगा, क्योंकि आप अगर साथ देंगे हम आपको परिणाम देंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सभी मित्रों से कहिएगा गणित की पूरी सीरीज पढ़े, प्रतिदिन पढ़े, अगर एक दिन भी छूट जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। हर वीडियो को क्रमवार रूप से पढ़िएगा, हम धीरे धीरे गणित पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे ताकि आप भी सिलेक्शन लें, अपने माँ बाप अपने परिवार का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। पूरा देख लीजिएगा, जहाँ दिक्कत हो डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये निःशुल्क क्लास है, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए, बाय बाय।